बीते दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से चार धाम यात्रा पर एहतियात के तौर पर रोक लगाई गई थी। अब सरकार के द्वारा इसे हटा लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक चारों धाम करने के इच्छुक यात्रियों को दर्शन करने के लिए ई पास बनवाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा ऐसी बाध्यता खत्म कर दी गई है। वहीं गुना से आज चार धाम के लिए 50 लोगों की बस रवाना हुई। इसमें गुना जिले के साथ आसपास गांव के लोग शामिल हैं। ये बस यात्रा आज शाम 6 बजे से गायत्री मंदिर से रवाना हुई। सभी भक्तों ने गुना शहर के मंदिरों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और कहा कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा करना चाहिए। इस यात्रा को करने से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मुक्ति भी मिलती है। चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व इतना ज्यादा है कि श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में दर्शन के लिए इन धामों में पहुंचते हैं। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम के नाम शामिल हैं। चारों धाम की यात्रा पर जा रहे राम बाबू रघुवंशी, मियापुरा वाले मोहन ओझा, जगन्नाथ मास्टर सभी धर्म पत्नी के साथ यात्रा पर रवाना हुए। अन्य भक्त भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने आज गुना किया। सभी अंचल भर के कोटवार गुना पहुंचे, जहां पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश के सभी सेवा भूमि रोहित कोटवारों को कलेक्ट्रेट रेट पर मानदेय देने की मांग की और दूसरी मांग सेवा भूमिधारी कोटवारों को सेवा भूमि मालिकाना हक देने के लिए निर्देश जारी करने को लेकर ज्ञापन दिया। हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के 52 जिलों में हमारी मांगों के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। पहले हमने 17 तारीख को तहसीलदार साहब को भी दिया था और आज ये हमने कलेक्टर साहब को दिया है और ये हमारा अंतिम ज्ञापन है। इसके बाद 25 तारीख से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं और इसके बावजूद भी अब शासन हमारी नहीं सुनती है, तो 2 जून को हम लोग भोपाल में रैली करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाकर उनसे कारण पूछेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है। जो पूरे कर्मचारियों को आपने किसी को पेंशन दे रहा है, किसी को वेतन वृद्धि दे रहा है, भत्ते बढ़ा रहा है, हमने क्या गुनाह कर दिया जो आज तक हमारी नहीं सुनवाई की आपने, ये उनसे पूछेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे मामा अति संवेदनशील व्यक्ति हैं, गरीब हितेशी हैं। ये बात है कि उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, तो हम लोग अपनी बात उन तक पहुंचा कर रहेंगे और इसी के लिए हम 2 जून को एक विशाल कार्यक्रम भोपाल में रखेंगे। प्रदेश के 38,000 कोटवार उस दिन भोपाल में होंगे। आज कितने कोटवार मौजूद रहे? गुना जिले में 450, उसमें से आज 325 के लगभग कोटवार हमारे आए थे। भीषण गर्मी में उतनी परेशानी से 40-40 किलोमीटर चलते हुए आए और बड़ा दुख होता है कि एक छोटे से कार्य के लिए हमको इतना परेशान होना पड़ रहा है। क्या मांग है आपकी मुख्य? हम लोग वैसे तो सब लोग नियमितीकरण मांगते हैं और चलता भी, लेकिन हम तो केवल ये मांग रहे हैं कम से कम हमारा कलेक्टर रेट कर दिया जाए। जो एक मजदूर का मजदूरी मांग रहे हैं, हम कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, वेतन नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो केवल मजदूरी मांग रहे हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो क्या है? हम 25 तारीख से हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठेंगे। ये हमने डिसीजन लिया है, हमारे प्रदेश समिति का निर्णय है। अभी क्या दिया जा रहा है सरकार? अभी केवल 4,000 रुपये दिया जा रहा है जिनके पास भूमि नहीं है, और जो भूमि वाले हैं उनको 400, किसी को 600, किसी को 1200 रुपये। ये आपका सुनना। मेरा नाम हरवीर सिंह यादव है, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कोटवार। आज रेल मंत्री माननीय श्री अश्विन वैष्णव जी, रेल बोर्ड अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी और रेल महाप्रबंधक जबलपुर भोपाल को मेल करके गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुंगावली यात्रियों के सुझाव व मांग को बताया। उक्त क्षेत्र के हजारों यात्रियों की मांग है कि ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को नियमित चलाया जाए, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहां प्रत्येक दिन हर वर्ग के हजारों यात्रियों को आना जाना होता है, चाहे फिर शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, नौकरी, मजदूरी, राजनीतिक, सरकारी कार्यालयों आदि क्षेत्रों में आना जाना हो। गुना से रात 3 बजे जोधपुर भोपाल के बाद ये पहली गाड़ी है। इस ग्वालियर भोपाल गाड़ी को नियमित चलाया जाए। DRUCC मेंबर सुनील आचार्य ने बताया कि उक्त गाड़ी के नियमित चलाने के संबंध में यात्री सेवा संगठन कई बार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को बता चुका है, परंतु उक्त गाड़ी के मेंटेनेंस के नाम पर भ्रमित करते आ रहे सुनील आचार्य ने क्षेत्र के यात्रियों की मांग पर कहा कि कोटा वाया रुठियाई इंदौर गाड़ी नंबर 22983 22984 का भी एक ही रैक है, जो कोटा से सुबह चलकर इंदौर से शाम वापस होती है। कोटा मंडल उक्त गाड़ी का कैसे मेंटेनेंस करता है, उसी प्रकार भोपाल व झांसी मंडल भी उक्त गाड़ी का मेंटेनेंस कर सकता है। इसलिए ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को नियमित संचालन करने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिले। सुनील आचार्य, DRUCC मेंबर, भोपाल मंडल। बाया रुठियाई गाड़ी जो 22984 गाड़ी है, वो भी प्रत्येक दिन चलती है, नियमित चलती है, उसका भी एक ही रैक है, फिर उसका मेंटेनेंस कहाँ हो पाता?
कोटा डिवीजन का लोग भी तो उसका मेंटेनेंस करते होंगे, तो फिर उसका मेंटेनेंस के नाम पर तो नहीं रोका जा रहा, उसे तो कंटिन्यू चला जा रहा है। तो उक्त गाड़ी को भी इस प्रकार से चलाया जा सकता है। भोपाल मंडल ऐसा क्यों कर रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर सप्ताह में दो दिन रोक रहा है, जबकि उसको भी 6-7 घंटे मिलते हैं, इस गाड़ी को भी 6-7 घंटे मिल रहे हैं वहाँ पर, तो उस 6-7 घंटे में भी इसका मेंटेनेंस हो सकता है। तो लोगों का यही सुझाव है जो मैंने माननीय रेल मंत्री महोदय को और हमारे रेल बोर्ड अध्यक्ष श्री शर्मा जी को और रेल महाप्रबंधक जबलपुर को और रेल प्रबंधक भोपाल के लिए मेल और सोशल मीडिया द्वारा बताया है कि उक्त गाड़ी जो हमारी ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी है उसको नियमित रखा जाए। लोगों की मांग है, लोगों की परेशानी है। बोली जी को रेल बोर्ड अध्यक्ष श्री सुमित शर्मा जी को और रेल महाप्रबंधक जबलपुर और रेल प्रबंधक भोपाल के लिए मेल किया सीपरी गुना अशोकनगर मुंगावली के यात्रियों को सुझाव को लेकर। उक्त क्षेत्र के लोगों का कहना है और ये आज का नहीं, बहुत दिनों से इस बात को उठाया जा रहा है, जिसको यात्री सेवा संगठन ने पत्रों द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखा भी है। आज भी वही बात लोगों की उठी। लोगों का कहना है कि ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी 12-157 12-158 को नियमित रखा, नियमित चलाया जाए, जो वर्तमान में उक्त गाड़ी को बुधवार और रविवार को बंद किया जाता है मेंटेनेंस के नाम पर। तो लोगों का यही कहना था कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और जहां प्रत्येक दिन हजारों लोगों का हर वर्ग के क्षेत्र में आना जाना होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के संबंध में हो, कार्यालय सरकारी कार्यालय जो कर्मचारी होते हैं उनके संबंध में हो, किसान मजदूर हो, है ना, या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, हर वर्ग के आदमियों का वहाँ पर राजधानी में पहुँचना होता है। क्योंकि गुना में रात को 3 बजे जोधपुर भोपाल के बाद कोई गाड़ी नहीं है सुबह जाने के लिए, है ना, तो यही एक सुपरफास्ट गाड़ी है जो सुबह निकलती है। तो लोगों का यही कहना मानना है कि उक्त गाड़ी को कंटिन्यू रखा जाए। अब रहा सवाल मेंटेनेंस का, तो रात को यह गाड़ी 12 बजे भोपाल वापस ग्वालियर पहुंच जाती है 12 बजे के समथिंग, तो करीब करीब ये 6-7 घंटे भोपाल में रखी रहती है, तो इस 6 घंटे के बीच में भी इसका मेंटेनेंस हो सकता है। फिर मेंटेनेंस के नाम पर 2 दिन इसको क्यों रोका जा रहा है? यात्रियों का अहित हो रहा है, इससे क्या होगा, जब कंटिन्यू गाड़ी चलेगी तो रेलवे के राजस्व भी बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को लाभ भी होगा। फिर लोगों का यह भी कहना है कि कोटा इंदौर बाया रुठियाई गाड़ी जो 22983 कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला पंचायत विश्राम भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से 6 और स्थानीय 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि आज 150 से अधिक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ईश्वर है, बिना भगवान के ईश्वर के पत्ती भी नहीं हलती है, चाहे वो जानवरों में मच्छर से लेकर के शेर तक, हाथी तक, वो भी भगवान के दिए हुए प्राण है। प्रिय बंधुओं, मैं समझता हूं कि रोजगार मेला में हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह मेले में आज कितनी कंपनियां आई, कितने बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन? आज रोजगार मेले में लगभग 8 कंपनी बुलाई थी, इसमें 6 कंपनी बाहर की हैं और 2 स्थानीय प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसमें इस वित्तीय वर्ष में जो पहला मेला है, आज अभी तक 150 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं, मतलब 69 बच्चों का प्रारंभिक चयन हो गए और अभी हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक महोदय, सांसद प्रतिनिधि महोदय
एडीएम साहब पधारे थे उनके माध्यम से 15 लोगों को मौके पर अभी ऑफर लेटर भी मतलब किया जा चुका है। और अभी मौसम को देखते हुए बच्चे आ रहे हैं और अभी मेला जारी है, लगातार जारी है। इसकी वजह से पहला मेला था। करीबन कितने बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ था? अभी लगभग 157 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 69 बच्चों को। गुना में अखिल विश्व गायत्री परिवार ट्रस्ट गुना के द्वारा आज गायत्री शक्तिपीठ गुना पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित की गई और उनकी आत्मा को शांति मिली, परिवार का आत्मविश्वास बढ़े, ऐसी भावना गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उनकी सेवाओं को याद करते हुए उनके बलिदान को दी गई सराहना की गई। सभी गायत्री परिजनों ने संकल्प लिया कि इन परिवारों की सहायता के लिए गायत्री परिवार हमेशा तत्पर रहेगा। आरोन और शाहरुख के जंगलों में जो शहीद हुए हैं, इसमें राजकुमार जाटव, इंस्पेक्टर नीरज भार्गव, आरक्षक संतराम मीना आरक्षक को गायत्री परिवार ट्रस्ट ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। देश भक्तों में कुछ ही खुश नसीब होते हैं, वो कभी मरते नहीं जो शहीद होते हैं। इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि में गायत्री परिवार के ट्रस्ट, युवा प्रकोष्ठ, महिला मंडल, दिया संगठन आदि ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। और महामंत्री जब समापन करेंगे उस बार 2 मिनट का मौन रखेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने अपने भगवान से। आप दिवालय में बैठे हैं तो आपकी लाली माता से परमात्मा उनको सुगति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जब गोली लगती है भीतर तो अंदर का जो वहां से कुछ चलता है उस समय प्राण त्यागने में भारी वेदना होती है, बहुत कष्ट होता है। दिनांक 13-14 मई की रात में कुछ बदमाशों के द्वारा वन्य जीवों का शिकार कर मोटरसाइकिलों पर रखकर ग्राम सगा बरखेड़ा होते हुए फतेहपुर की तरफ जाने के दौरान पुलिस के द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया तो अज्ञात शिकारी बदमाशों के द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे उप निरीक्षक राजकुमार जाटव, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव, आरक्षक संतराम मीना मौके पर शहीद हो गए थे। आरोपी गण शिकार किए गए हिरण और मोर को मौके पर छोड़कर आरक्षक संतराम मीना की इंसास राइफल राउंड के साथ लूट कर ले गए थे, जो अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से जंगल के रास्ते राधुगढ़ तरफ भागे थे। इस घटना पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना आरोन में अपराध क्रमांक 212/22, धारा 302, 333 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। घटना के अज्ञात आरोपियों की पतारसी के लिए अलग अलग टीमों का गठन यहां पर किया गया था। मामले में पुलिस के द्वारा गहनता से विवेचना करते हुए प्रकरण के फरार आरोपियों की सघनता से तलाश की जा रही है। इसी सिलसिले में 20 मई 2022 की रात में घटनाक्रम में शामिल एक अन्य आरोपी इरशाद खान निवासी जींदघर गुना के जिले से कहीं बाहर भागने की फिराक में बजरंगढ़ बाईपास पर खड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल बजरंगढ़ बाईपास पर पहुंची, जहां पर पुलिस को देखकर मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। उसे हिरासत में लिया तो पूछताछ में उसने अपना नाम इरशाद पुत्र इनात खान होना बताया। प्रकरण में आरोपी के शामिल हुए पाए जाने पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे रिमांड पर ले लिया गया है।
दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हनुमान चौराहा स्थित सत्संग भवन में राजीव जी का स्मरण करते हुए वक्ताओं ने संचार क्रांति के क्षेत्र में दिए गए योगदान की प्रशंसा की और वर्तमान हालातों में तकनीक के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने विपरीत परिस्थितियों में देश की कमान संभाली थी, साथ ही साथ 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। स्वर्गीय राजीव ने देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी संचार क्रांति लाई, इसकी बदौलत आज हम देखते हैं कि पूरा भारत तकनीक के जरिए विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। साथ ही साथ इस दौरान कहा गया कि राजीव गांधी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हालांकि पेगासस जैसे मामले वर्तमान केंद्र सरकार तकनीक का दुरुपयोग करने की पोल खोलते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसी परिस्थितियों में डटकर खड़ी रहती है और लोकतंत्र व नैतिक मूल्यों की रक्षा करती है। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को वर्तमान हालातों में पार्टी की रीति नीतियों और राजीव जी के विचारों का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही साथ कहा गया कि राजीव जी के विचारों पर ही हमें चलना चाहिए। शहर जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष मान सिंह सौदा ने आत्मघाती हमले में स्वर्गीय राजीव सिंह की हत्या करने की जानकारी दी। मान सिंह परसौदा के मुताबिक वर्तमान दौर में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं, लेकिन राजीव जी ने श्रीलंका में लिट्टे के द्वारा अलग देश की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था और भारत की सेना भेजकर विद्रोह शांत कराया था। इसका खामियाजा राजीव गांधी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सत्संग भवन के बाहर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया। अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, मान सिंह परसौदा, कैलाश नारायण भार्गव, रजनीश शर्मा, वीरेंद्र पांडे, लालजी राम जाटव, कन्हैया राम अहिरवार, लालजी राम जाटव, रेखा जैन, कैलाश यादव के साथ ही जगदीश सोनी, राजीव बनाशेखर लोग के साथ ही तमाम लोग उपस्थित थे। मुकेश रजक, प्रमोद जाटव, सेवा दल के अध्यक्ष नरेंद्र सोन, ज्ञान सिंह पिपल, मनोज तिवारी, आसिम भटनागर, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकरार बल्ला, पंकज कनेरिया, आनंद सक्सेना आदि लोग यहां पर उपस्थित थे, जहां पर राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित की, 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से प्रार्थना की। कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई, चलित भोजनशाला के रूप में 1000 लोगों को खाना खिलाया गया। आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे संचार क्रांति के नेता पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए, हमारे साथ में महिला कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष भाई मान सिंह जी, सभी दलों के प्रमुख यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी ने आज यहाँ राजीव जी के चित्र के सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लिया है कि राजीव गांधी जी ने जिस संचार व्यवस्था का सपना देश के विकास के लिए देखा था, वर्तमान सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। आप और हम सबका दायित्व है कि हम राजीव गांधी जी के सपनों को पूरा करें। जनता ने 2018 में भी कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन हमारे कुछ गद्दार साथियों ने हमारे कांग्रेस पार्टी की जो सरकार को गिराया है। अब समय आ गया है, हमारी परीक्षा की घड़ी है कि हम सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सपनों को, उनके द्वारा दिए गए बलिदान को साकार करने के लिए एकजुट होकर आगामी समय में नगर पालिका, नगर ग्राम पंचायत, सभी चुनावों में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, यही हम सबने यहां बैठकर संकल्प लिया है। जय हिंद, जय भारत। भव्य विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना में 3 दिवसीय कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाज बंधु श्रद्धालु शामिल हुए।
इन्हीं के साथ ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति गुना के सभी कार्यकर्ता महिला मंडल भी मकसूदनगढ़ श्री विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा स्थापना कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। मकसूदनगढ़ में विश्वकर्मा जी मंदिर निर्माण और जमीन की संपूर्ण व्यवस्था पहलवान सिंह विश्वकर्मा के द्वारा की गई। इस भव्य कार्यक्रम में सभी जगह से समाज बंधु एकत्रित हुए और मूर्ति स्थापना में भाग लिया। इसी के साथ अध्यक्ष पुरुषोत्तम विश्वकर्मा केदारपुरा वालू की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाहर से आए हुए समाज बंधुओं का साफा बांधकर माल्यार्पण किया गया। इसी बेला में गुना से ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ओझा, जिलाध्यक्ष बनवारी लाल ओझा, उपाध्यक्ष विजय कुमार ओझा, मंत्री घनश्याम ओझा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी ओझा, कोषाध्यक्ष रमेश ओझा और महिला मंडल की कार्यकर्ता भी गुना से कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। मित्र मंडल सेवा समिति के जिला अध्यक्ष पिस्ता ओझा, एनएफएल धर्मशाला ट्रस्ट की पूर्व अध्यक्ष कृष्णा देवी, भगवती ओझा, मोहनी ओझा, लक्ष्मी ओझा, प्रवेश ओझा, अंतु ओझा व अन्य कई महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर मंदिर समिति का सम्मान किया। प्रशंसा पत्र देकर साफा बांधकर श्रीफल के द्वारा सम्मान किया गया। समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहे, इसी आशा के साथ समाज में एकता बनी रहे। सभी भाइयों को और मेरी सभी भाभियों और बहनों को सबको मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ सबको बुलाया। भगवान विश्वकर्मा जी कृपा होगी तो अपन आगे भी मिलते जुलते रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। भगवान की इच्छा से ही हम आज मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा और समाज को आगे ही आगे लेके जाना होगा। जय कृष्ण बहन जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने। विश्वकर्मा भगवान की जय। मेरी बहनों को आज मैं देख के इतना खुश हो रही हूँ कि सारी बहनें हमारे साथ हैं। आज विश्वकर्मा भगवान का मंदिर ना बना होता तो आज हम जहाँ नहीं होते। मेरी इच्छा है हर शहर में, हर गांव में विश्वकर्मा भगवान का मंदिर होना चाहिए। क्यों? सब मंदिर हर जगह मिलेगा, हमारे विश्वकर्मा भगवान का मंदिर हर जगह नहीं मिलेगा। तो मकसूदनगढ़ वाले भाइयों ने बहुत अच्छा किया है, जहाँ मंदिर बनाया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और हमारी समाज को इस तरह से आगे ले जाएं और तरक्की करें और हमारी बहनों को भी घर से निकालें। ऐसा ना समझे कि हमारी समाज में बहनें ना निकले, बहनें निकले तरक्की करें। बाहर निकलने से दो बातें अच्छी मिलती हैं, दो बहनों से मिलेंगी तो समझदारी की बातें होती हैं। तो जरूर निकले और हर शहर में, हर सिटी में हमारा विश्वकर्मा भगवान का मंदिर जरूर हो। और हमारे बमूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बदनपुर गांव से 5 दिन पहले गायब हुए प्रेमी युगल का जोड़ा एक कुएं में छत विछत हालत में मिला। मिली जानकारी के अनुसार मृतक दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। लड़की की शादी हो जाने के बाद जब वो अपने मायके वापस आई तो उसकी प्रेमी आपसिंह पटेलिया उम्र 21 साल निवासी बदनपुर अपनी प्रेमिका संगीता पटेलिया उम्र 19 साल को भगा ले गया। जब घर वालों ने ढूंढा तो कहीं नहीं मिले। गुरुवार लगभग 12 बजे के करीब गांव में जानकारी ये मिली कि इनकी लाश कुएं में पड़ी मिली है। गांव वालों ने जाकर देखा और सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमोरी भिजवाया। वहीं मेवात जिला पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं खबर के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया।